नमस्कार, मैं राजेश और आप जी टीवी न्यूज। माँ कस्तूरबा गांधी के जीवन पर आधारित हिंदी फिल्म कस्तूरबा का प्रोमो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज लॉन्च हुआ है। डायरेक्टर मनीष कुमार ने अपने आने वाली नई फिल्म कस्तूरबा के प्रोमो की लॉन्चिंग पर माँ कस्तूरबा गांधी के जीवन से लोगों को परिचित कराने की कोशिश की है। मनीष ठाकुर ने प्रोमो लॉन्च पर मीडिया को फिल्म की कुछ झलकियां भी दिखाई हैं और बताया कि कस्तूरबा फिल्म हमने माँ कस्तूरबा के जीवन पर बनाई है और हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि महात्मा गांधी के जीवन की कहानी सारा देश जानता है, लेकिन माँ कस्तूरबा की जीवन की कथा बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए हमने एक फिल्म के जरिए कस्तूरबा गांधी के जीवन को काफ़ी मेहनत और कठिनाई का सामना करके फिल्म बनाया है और दिखाना चाहेंगे। जैसे कि ट्रेडिंग है, वर्तमान समय पर महिला, जैसे सभी पार्टियों ने आकर के रखा है कि महिला सुरक्षा सारी चीजें, लेकिन वास्तविकता दूर दूर तक नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में आज भी महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो इस फिल्म का संदेश आप क्या देना चाहेंगे सरकार को और जनता को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए, हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि महिला, चाहे वो मेरी बहन है या मेरी माँ है, वो हर युग में महिला महिला ही, उसका उस समय लोगों ने ध्यान नहीं रखा, सरकारें आती नहीं जाती नहीं। हम तो इस फिल्म के माध्यम से चाहते हैं कि महिला का किस तरह से आप सम्मान कर सकते हैं, उसकी किस तरह से सुरक्षा कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है फैशन के युग में सलमान खान पसंद करेंगे? देखिए, पसंद करेंगे या नहीं करेंगे ये सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ, आज जो जितना समाज एजुकेटेड हो गया, हर बच्चा घर में फोन लेके बैठा है, तो वो सब चीजें जानना चाहता है ना। किसी को पता ही नहीं कि हमारा इतिहास क्या था। कस्तूरबा जी इतना बड़ा इतिहास है जिसको हम सामने ला ही नहीं, एक इसी रीजन के वजह से हम उनको सामने लाना चाहते हैं। ट्यूबलाइट वो एक कमर्शियल मूवी है, ये एक इतिहास है जिसको हम मनीष जी, मेरा सवाल है जी सर, कस्तूरबा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका चले गए थे तो वहां पर जो रहे, वहां एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्रॉब्लम हुई, वहां ऐसा एक रूल लागू कर दिया गया था कि महिलाओं को, सभी महिलाएं कल से ठीक हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने एक रूल लिखा था। उसको लेकर के कस्तूरबा जी ने गांधी जी को कहा कि भाई इसको आप कुछ इसके लिए कीजिए ना, ऐसे कैसे चलेगा, कल को कोई भी और आगे हाथ पकड़ लेगा। तो गांधी जी ने कहा कि महिलाओं का मामला है, ये आप है। तो कस्तूरबा जी ने ये पहली लड़ाई लड़ी जो उनके जीवन की सबसे पहली लड़ाई थी, और उन्होंने वहां की सरकार को झुका दिया और उस कानून को वापस दिलाया। यहां इस बात से हम उनको याद करते हैं, उसके पीछे ही पूरी फिल्म बन गई। 45 डेज इसमें कम से कम रहती है। बजट एक फिल्म का जो नॉर्मल बजट हो रहा है, बजट का क्या करना है, हम इसके मार्केट और सैटेलाइट है, जून में आपसे एज ए डायरेक्टर्स बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत रातों को नींद आ रहा था, कभी कभी किसी ने कुछ समझ में नहीं आते, तो इसलिए जो मैंने फेल है तो उसको समझने में बहुत मुश्किल हुआ। बट एक्ट्रेस का एक प्रोसेस होता है, आपको जोड़ना पड़ता है तभी आप कुछ कर पाते हैं। खुद को जब छोड़ना पड़ा और तब जाके कैरेक्टर कर पाए, पता नहीं कितना कर पाए, कितना न्याय कर पाए। दिल्ली से इरफान खान की खास रिपोर्ट।